बंगाल की जब बात आती है तो त्रेता याद आता है। एक राक्षस राज था हिरण्यकश्यप, उसके बेटे ने कह दिया था जय श्री राम, तो बाप ने बेटे को जेल में बंद कर दिया था, बहुत सारी यातनाएं दी थी। और वही दोहराया जा रहा है बंगाल में, तो लगता है कि हिरण्यकश्यप के खानदान की तो नहीं है ममता, जय श्री राम कहने वालों को यातनाएं दी जा रही हैं, जेल में भेजा जा रहा है। परिणाम ये हो गया कि ये स्थिति बन गई बंगाल में, जय श्री राम कहने से वो खिसियाने लगी, गालियां देने लगी, सड़क पर उतरने लगी, और उसके विरोध में पता नहीं क्या क्या योजनाएं बनाने लगी।